हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है ट्यून ऑटो। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यामाहा R15M की लॉन्चिंग के बारे में। बाइक और स्कूटर निर्माता कंपनी यामाहा अपने कई नए और अपडेटेड उत्पादों का परीक्षण कर रही है। आने वाले कुछ महीनों में कंपनी इन उत्पादों को बाजार में उतारेगी। इन उत्पादों की लिस्ट में यामाहा की R15 V3 भी शामिल है। कंपनी ने इस नई अपडेटेड बाइक को यामाहा R15M के नाम से रजिस्टर करवाया है। ये नया वेरिएंट यामाहा R15 वेरिएंट का नया टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट हो सकता है, जिसमें स्पोर्टियर स्टाइल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। यामाहा R15M के बारे में बात करें तो ये बाइक मौजूदा R15 से ज़्यादा स्पोर्टियर होने वाली है। हाल ही में नई यामाहा R15M को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन कैसा होने वाला है, इस बात के बारे में फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं है। बता दें कि यामाहा अपनी स्टैंडर्ड मोटरसाइकिलों के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन के लिए एम टैग का इस्तेमाल करती है। टेस्टिंग म्यूल की तस्वीरों से पता चलता है कि नई यामाहा R15M में R7 से प्रेरित एक नई हेडलाइट यूनिट मिलेगी। नई यामाहा YZF R15M में मौजूदा R15 के इंजन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यामाहा R15 का इंजन 155cc लिक्विड कूल्ड SOHC 4 वॉल्व इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंजन 10,000 RPM पर 18.6 bhp की पावर और 8,500 RPM पर 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की कीमत के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे कई नए फीचर्स मिलेंगे। इस लिहाज से बाइक की कीमत ज़्यादा होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।